पर पूर्णिया रवाना हुए तेजस्वी यादव। बीमा भारती के नामांकन में शामिल होंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा इतने सांसदों के बाद भी बिहार को क्या मिला, उनके सांसद जीतते रहे लेकिन विकास नहीं हुआ, पीएम ने कोई वादा निभाया नहीं और रोजगार का वादा पूरा नहीं हुआ, उनको जवाब देना पड़ेगा देश में क्या हो रहा है। तो ये तमाम आरोप इस दौरान तेजस्वी यादव ने लगाए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि पीएम को बताना पड़ेगा कि इतने सांसद होने के बावजूद बिहार के लोगों को क्या मिला है। योजना है उनके पास, तो कोई योजना है लेकिन हम लोगों ने वादा किया है कि भारत सरकार में जितने भी रिक्त पद हैं उस रिक्त पदों को हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने बिहार में भी करके दिखाया है और मौका मिलेगा तो देश में भी करके दिखाएंगे। पहली सभा ही वही कर रहे हैं, वहाँ जाकर के क्या बोले? अरे भाई हाथ कौन कर रहा है? आप बताइए, इनके कथनी और करनी में भारी अंतर। और दूसरा आप देखिएगा कि इनकी जितनी जांच एजेंसियां हैं, जो जो लोग भाजपा ज्वाइन किया सबका केस क्लोज हो गया और सारे ऑपोजिशन नेताओं के पीछे लोग पड़े हुए, तो इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है देश सर। आज इस हिसाब से तानाशाही चल रही है। आज तो नॉमिनेशन है तो उसमें तैयारी है, तभी तो जा रहे हैं। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बीमा भारती जी की जीत होगी। संघर्ष उन्होंने किया है जमीनी स्तर से, वो उठ करके आई हैं और उठ करके आने के बाद भी उनको जिस हिसाब से सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, मौजूदा स्थिति वो हम सब लोग देख रहे हैं। वो अति पिछड़ा की बेटी है और साथ ही साथ पूर्णिया की बेटी है, तो हम लोगों ने उनको उम्मीदवार बनाया।